नमस्ते दोस्तों, सुनीता विलेज फूड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे हमारे भाई और बहन नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बनाएंगे गोभी का कोफ्ता। इसके लिए मैं सामग्री दिखाती हूँ। सब्जी मसाला है, तेज़पत्ता, नमक, जीरा, टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया है, लौकी है, इधर बेसन लिया है, लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट है, अब मैं लौकी का छिलका उतारूंगी। छिलके को मैंने उतार लिया है, अब इसको मैं कद्दूकस करूंगी। इसी तरह मैं सारी लौकी को कद्दूकस कर लूंगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत बारीक है। इधर मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। इधर मैंने बेसन लिया है, अब इसको मैं 10 मिनट तक उबालूंगी। आप देख सकते हैं लौकी हमारी पक चुकी है। अब मैं इसको चूल्हे से नीचे उतार लूंगी। अब मैं इसको बेसन में मिलाऊंगी। लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट डालूंगी। सब्जी मसाला डालूंगी। स्वाद के अनुसार नमक को डालूंगी। इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। इधर मैंने बेसन में लौकी को मिला लिया है। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल मेरा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें पकौड़ियाँ बनाऊंगी। इसी तरह मैं सारी पकौड़ियों को बना लूंगी। अब मैं इनको दूसरी तरफ पलट दूंगी। पकौड़ियाँ हमारी पक चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह मैं सारी पकौड़ियाँ बना लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा, तेज़पत्ता, लहसुन, इसको भी पकाऊंगी अच्छी तरह से। अदरक मिर्च का पेस्ट डालूंगी, इसे भी भूनूंगी थोड़ी देर तक। प्याज का पेस्ट डालूंगी, इसे भी अच्छी तरह से पका लूंगी। टमाटर का पेस्ट डालूंगी, इसको भी अच्छी तरह से पकाएंगे। सब्जी मसाला डालूंगी। मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैं ग्रेवी के अनुसार पानी को डालूंगी। स्वाद के अनुसार नमक को डालूंगी, अच्छी तरह से मिलाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें पकौड़ियों को डाल दूंगी। कोफ्ता हमारा बहुत अच्छी तरह से पक रहा है। एक चुटकी हींग डालेंगे, अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। इधर मैंने कोफ्ते के साथ चावल और रोटी भी बनाई है। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, एक बार आप अपने घर पे लौकी का कोफ्ता ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छा सा कोफ्ता बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करना अपने घर पर। धन्यवाद दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।